नमस्कार, मैं हूं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं एमके न्यूज। खबर रावसे शहर से है, जहां सीएम के ओएसडी की बेटी पिता नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख की ठगी सामने आई है। मामला हनुमानगढ़ जिले का है, जहां भतीजे भांजे को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी घटना सामने आई। ठगों ने 13,50,000 रुपए नौकरी दिलाने के लिए दिए थे। नरेंद्र पाल पुत्र कृष्ण जाट निवासी भेरूनसर ने रिपोर्ट दी कि उसके भतीजे प्रवीण और भांजे आशीष को विधानसभा उत्तर प्रदेश में और आरोग्य पद पर अप्रैल महीने में भर्ती निकलने पर नौकरी लगवा दें। इसी दौरान रावतसर DYSP पुन्नू चौहान से हुई वार्ता। मेरे से नौकरी दिलवाने के नाम पर 13.5 लाख रुपए हड़प लिए हैं और वह 13.5 लाख रुपए उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है और कहा है कि 10 दिन में जो है मैं तुम्हारे भतीजे को नौकरी लगवा दूंगा। उसने जो है कल 420-406 में FIR करवा दी है और आगे जब हमने इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि जो पैसा 13.5 लाख रुपए जिस परिवादी से लिए थे, उन 13.5 लाख रुपए में से इसने 6-7 लाख रुपए का किसी जाखड़ा वाली में कोई ज्वेलर है वहां से इसने सोना खरीदा है और जो सोना जिस जान पहचान वाले व्यक्ति ने दिलवाया था उसका नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल ने ही इन दोनों को जो है सोना दिला के लाया था। करीब 6-7 लाख रुपए का जो सोना है वो हमने महिला की गिरफ्तारी के बाद में बरामद कर लिया है।